हे गाइस, स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे। मैं हूं आपका दोस्त शिवांश भसीन। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि निफ्टी जो 5 दिन से अंडर परफॉर्म कर रहा था, आने वाले 2 दिन में हमने क्या देखा कि वो 150-150 पॉइंट यानी कि 300 पॉइंट की 2 दिन में ही रिकवरी दिखा गया। सो गाइस, ऐसा क्या हुआ? चार्ट्स में हमें पता चल रहा था कि नहीं पता चल रहा था कि ये ऊपर जाने वाला है कि नहीं जाने वाला। सो गाइस, उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बना के लाया हूं कि आपको मैं दिखा सकूं कि ये क्यों ऊपर गया था। एक तो जो बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये मार्केट ऊपर गई है, और एक जो टेक्निकल चार्ट्स में हमें दिख रहा है। सो गाइस, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले ये एक लाइन बनाई हुई है, हॉरिजॉन्टल लाइन, आप देख सकते हैं, ये आपको यहां शो कर रही होगी, जो इसका प्रीवियस हाई था उसको जब इसने ब्रेक करा था, वहां की मैंने एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन बनाई हुई है। अब सपोर्ट लाइन मैंने क्यों बनाई हुई है, क्योंकि जब ये ड्रॉप हो रहा था तो हमें देखना होता है कि ये कितना ड्रॉप हो सकता है। मतलब कि अगर ये 11,800 के लेवल से, 11,750 के लेवल से नीचे आ रहा था तो कितना नीचे तक आ सकता था। तो हम इसके हिसाब से एक सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें सपोर्ट जो मिल रहा था वो 11,190 या 11,200 के लेवल पे मिल रहा था। पर गाइस, एक सपोर्ट ढूंढने से कोई फायदा नहीं है, कम से कम हमें उस लेवल पे 2 तक सपोर्ट तो मिलने ही चाहिए। मिनिमम 2 सपोर्ट तो हमें मिलने ही चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि वो सपोर्ट तक जाकर रुक सकता है। सो गाइस, इसके बाद मैंने अपना यूज करा और मैंने लगाया 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज पे आप देख सकते हैं इसने यहां पर सपोर्ट लिया, नीचे जाने की कोशिश करी, पर जब क्लोजिंग दी तो इसके ऊपर दे दी। तो गाइस, मतलब कि इस लेवल तक तो नहीं आया, पर इसके आसपास जो इसका सपोर्ट और मिल रहा था वहां जाके इसने बाउंस बैक कर दिया। और हमने देखा था कि अगले दिन, मतलब कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे को, हमने 150 पॉइंट की रिकवरी और आते हुए देख ली। गाइज, ये सपोर्ट फाइंड करने से भी हम गारंटी नहीं ले सकते थे कि ये और ऊपर जाएगा। एक तरीका और था, मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताते आ रहा हूं कि मैं आपको पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा। आपको मैंने बहुत से पैटर्न सिखाए हैं अभी इस वीडियो में, एक पर्टिकुलर फिक्स स्टॉक के साथ जिसमें वो पैटर्न अभी भी बना हुआ होता है। तो गाइज, इस निफ्टी 50 में भी एक पैटर्न और बन चुका है, और वो पैटर्न मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है AB = CD पैटर्न। AB = CD पैटर्न का मतलब ये होता है कि गाइस, आप देख सकते हैं कि यहां से कोई एक स्टॉक है वो फॉल करा, फॉल करने के बाद वो हल्का सा एक जंप लेता है, जंप करने के बाद वो एक दोबारा फॉल ले लेता है। अब ये हुआ क्या, ये AB = CD पैटर्न बना कैसे? इस बना कैसे मतलब कि जो इसका टॉप है, ये जो हमें टॉप दिख रहा है, और जो इसका इस लाइन का जो बॉटम है, इसका हम एक डिफरेंस लेंगे। हम अराउंड मान लेते हैं ये 100 रुपीज है, ये 50 रुपीज है। हमने इसका डिफरेंस लिया, ये आया अराउंड 50 रुपीज का डिफरेंस। इसके बाद हमने देखा ये ऊपर गया फिर नीचे आया। अब हम इसके टॉप को लेंगे, इसका टॉप है 60 का, इसका टॉप हम कह सकते हैं 100 से 50 आया, 50 पॉइंट्स का डिफरेंस, ये 10 रुपए ऊपर गया 60 तक। 60 के आने के बाद फिर एक डाउनफॉल आ गया और ये 10 रुपए तक आ गया। ये इसमें अगर हम इसका डिफरेंस करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं इसका भी डिफरेंस 50 पॉइंट्स का है, यानी कि AB लाइन = CD लाइन। AB का अगर हम डिफरेंस करते हैं वो भी 50 है, और अगर हम CD का डिफरेंस करते हैं वो भी 50 है। यानी का मतलब है इससे नीचे जाने की इसमें अभी कैपेसिटी नहीं है, यहां से एक ये बाउंस दे सकता है। तो गाइस, ऐसा ही निफ्टी 50 के अंदर हमें देखने को मिला। जो इसका ये लेवल है 11,560 का लेवल, यहां से ये एक बार गिरा, गिरने के बाद दोबारा इसने जंप लिया, जंप लेने के बाद दोबारा ये यहां पर गिर गया। अगर हम इसका डिफरेंस मानेंगे, AB का डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो 360 या 350 पॉइंट्स का है, और अगर हम CD का डिफरेंस देखेंगे तो वो भी 350 पॉइंट्स का ही है। तो गाइस, आप सबसे पहले देख सकते हैं कि जब मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई वहां पर मुझे एक सपोर्ट मिला, उसके साथ मुझे एक और सपोर्ट ढूंढना था जो मुझे यहां पर मिल चुका। अब ये सपोर्ट ढूंढने के बाद मैं क्या ढूंढूंगा कि इसमें कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो मैंने देखा यहां पर AB = CD पैटर्न बन रहा है, वो भी उसी सपोर्ट पे बन रहा है जहां पर 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। सो गाइस, मैं अपने आप को कंफर्म करके चल गया था कि यहां से ये फ्राइडे को एक अपसाइड देने वाला है। गाइस, मैं श्योरिटी नहीं कह सकता था कि ये वेडनेसडे को भी एक अच्छी खासी ऊपर की तरफ मूव देगा, पर जो इसने फ्राइडे को अप मूव दिया है गाइस, उसके बारे में हमें पहले से ही पता चल गया था। मैं आपके लिए इससे सॉरी मानता हूं कि मैं आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, पर गाइस मैं अभी भी आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूं, अभी भी चांसेस गए नहीं है। गाइस, इसका हमें टारगेट फाइंड करना है। इसका टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि ये यहां तक, यानी कि 11,600 तक तो आराम से जा सकता है, 11,600 तक जा सकता है। कि हमने बोला कि यहां से हमें बाय करना है, जो कि है 11,300 का लेवल।
मैं आपको जो टारगेट दे रहा हूं वो 300 पॉइंट्स प्लस के दे रहा था। सो गाइस 300 पॉइंट्स प्लस ऐसे ही भाग के नहीं जाएगा, उसके बीच में कुछ हर्डल्स होती है जो हमें फाइंड करनी पड़ती है। वो हर्डल्स क्या हो सकती है, सबसे पहला हर्डल हमें यही निकल के आ गया जो इसका बॉटम बना हुआ था, ये आप देख सकते हैं जो इसने अपना बॉटम बनाया था। सबसे फर्स्ट टारगेट जो होता है वो ये होता है। तो आपने देखा होगा कि जो प्रीवियस डे जो सेशन बना हुआ था 9th of September को जो बना था, वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसी का हाई इसने मारा था। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जो इसका था उसका था कि ये 11,600 तक आराम से जा सकती है। 11,600 के बीच हमने देखा कि एक 200-day 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था जो उसे क्रॉस नहीं कर पा रहा था, और वहीं इसने अपना हाई मारा था कल का। सो गाइज ये हर्डल को अगर, यानी कि 11,560 को अगर ये तोड़ देती है तो ये अपने न्यू हाईस की तरफ वापस बढ़ना स्टार्ट कर देगी, और ये जिसका प्रीवियस हाई बना हुआ था 11,760 का वो उसके पास वापस आ जाएगी। गाइज ये जो आप डाउनफॉल देख रहे हैं ये हमें एक पैटर्न की तरफ बता चुका था कि गाइज यहां से एक अपमूव आने वाली है, और मैंने भी आपको भी बता दिया कि अभी भी टारगेट हमारा एग्जैक्ट है 11,600 का। अगर ये 11,560 के ऊपर निकल जाता है तो हम अच्छा खासा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात हमें क्या सजेस्ट कर रही है कि मार्केट और ऊपर जा सकती है। जो फॉल था वो एक सिंपली ऐसा फॉल था कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से जो अब खत्म, हल्के हल्के खत्म हो रहा है। हाबरान में मार्केट भी स्टेबल हो रही है। गाइस एनएससी के डाटा पे आपको मैं लेकर चलता हूं, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि आप देख सकते हैं कि ये कॉल्स हैं और ये पुट्स हैं। निफ्टी का मैंने ऑप्शन डाटा ऑन करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 11,500, 11,450, 11,400, 11,300, 11,200 तक आप देख सकते हैं 11,200 से लेके 11,500 तक हमने यहां पर कॉल्स अनवाइंडिंग होते हुए देखी है इन दो दिनों के अंदर। गाइस हमने कॉल अनवाइंडिंग होते हुए देखी है, कॉल राइटिंग नहीं, कॉल राइटिंग होती है। इसका मतलब ये है कि वो लोग हमारी मार्केट में बियरिश हैं। हमारी मार्केट में जो हुई है वो कॉल अनवाइंडिंग हुई है, मतलब कॉल अनवाइंडिंग का मतलब ये हो गया कि जो उन लोगों ने उन लोगों ने अपनी कॉल्स को अनवाइंड करके रख लिया है। कॉल्स को अनवाइंड करने का मतलब क्या हुआ, जो उन्होंने पहले से कॉल्स को बेच के रखा हुआ था इस टाइम पे, अगर मैं आपको प्रीवियस डाटा नहीं दिखा सकता जो मैंने जब 9th of September को जो हुआ था जब मार्केट ऊपर बढ़ी थी उस टाइम का डाटा मैं अब आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें शो नहीं करेगा, पर तब वहां ये था कि वहां पे बहुत सी कॉल्स राइटिंग हो रखी थी। और आज हमने देखा है कि यहां पर कॉल अनवाइंडिंग हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो उन लोगों ने जब वहां पर जो मार्केट को बियर समझ कर रखा था, जो निफ्टी को वो सोच रहे थे कि शॉर्ट करेंगे कॉल को बेच के, वो वहां से एग्जिट पोजीशंस बना रहे हैं। सो गाइस हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा खासा हमें 11,500 एक स्ट्रांग हमें एक बेस बना के दे सकता है। अब आप देख सकते हैं 11,500 में 5 लाख ओप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जुड़े हैं पुट्स के अंदर, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस बना के हमें दिखा सकता है इस एक्सपायरी के लिए। गाइज अगर 11,500 के आसपास अगर आपको मिलता है या थोड़ी 11,500 के नीचे डिप मिलता है तो आप वो मत सोचिएगा कि ये बाउंस नहीं कर सकता, ये बाउंस आराम से कर सकता है। अब इसकी जो मैं रेंज आपको बता रहा था 11,600 की, तो 11,600 में कॉल्स ऑप्शन चेन में भी दिख रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 11,600 में भी कॉल अनवाइंडिंग हुई है, और 11,600 के आसपास यहां पर हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहां पर कॉल्स की अनवाइंडिंग हुई है। तो हम कह सकते हैं कि 11,600 या 11,500 ये 100 रुपए की रेंज हम दो दिन के अंदर आने में देख सकते हैं, और शायद दो दिन तक या इस वीक तक ये इस रेंज के अंदर ही घूम सकता है। तो गाइज ये जो पैटर्न आप समझ गए होंगे, आप अपने वॉच लिस्ट में जाइए, अपने स्टॉक्स को सर्च करिए, स्टॉक्स में अगर आपको AB = CD पैटर्न अगर आपको बनते हुए दिखाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपको जरूर कमेंट करके बताऊंगा कि हाँ इन स्टॉक में AB = CD पैटर्न है। इससे गाइज आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, और जो आप मेरी पिछली वीडियोज भी देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बटरफ्लाई पैटर्न, साइफर, गाटले, इन सब पैटर्न के बारे में A to Z चीजें समझाई हुई है, लाइव स्टॉक के साथ आपको समझाया हुआ है कि उसमें ये पैटर्न बना हुआ है। तो गाइज ऑब्जर्व करिए, जैसा भी आपको दिखता है आप मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और गाइस मैंने सेकंड लास्ट वीडियो भी अपलोड करी थी MBL इंफ्रा के ऊपर। गाइस MBL इंफ्रा के लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें एक बटरफ्लाई पैटर्न बना है, और आपको बाय कब करना है, आपको बाय तब करना है जब ये 17.50 पे आ जाएगी। गाइज ये 17.30 पे आई, और जो मैंने आपको टारगेट दिया था 5 रुपए ऊपर का, गाइज मैंने जब आपको बोला था ये, जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तब वो ट्रेड कर रहा था 22 रुपए 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। वहां पर मैंने आपको बोला था ये 17 रुपए 50 पैसे तक जाएगा। आपको मैं अब इसका चार्ट दिखाता तो ये 17 रुपए 50 पैसे तक गया। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि वहां पर आपको
अपनी क्वांटिटी सेल जो क्वांटिटी आपने रखी थी उसको एग्जिट कर जाना है, उसके बाद आपको अपनी फ्रेश क्वांटिटी 17.50 में बनानी है और जो आपका टारगेट है वो 5 रुपए ऊपर 22 रुपए तक का है। सो गाइस कल यानी कि 9 सितंबर को फ्राइडे को नहीं वेडनेसडे को उसका टारगेट कंप्लीट हो गया, उसने 22 रुपए को टेस्ट करा और वहां से वो अपनी अलग डायरेक्शन में चला गया क्योंकि वो पैटर्न का टारगेट कंप्लीट हो गया था। सो गाइस अगर आपने एनबीएल इंफ्रा जो 20 रुपए या 17 रुपए का स्टॉक था अगर आप उसमें अच्छी खासी क्वांटिटी बाय करके रखी होगी तो आप बहुत पैसे कमा गए होंगे। सो गाइस इसका टारगेट भी हमारे एक हफ्ते के अंदर अचीव होते हुए हमें देखने को मिल गया था। ये मैंने कैसे बताया कि ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है क्योंकि इसमें एक बटरफ्लाई पैटर्न बना था। ये सारे पैटर्न्स मैंने बहुत सी वीडियोस में भी समझाए हुए हैं, अगर आपको किसी स्टॉक्स में मिलता है तो उसे जरूर समझिए और मुझे बताइए कि अगर मुझे सर इस पर्टिकुलर स्टॉक में ये पैटर्न बनते हुए दिखाई, क्या ये पैटर्न करेक्ट है या इसमें ऐसा कुछ और हो सकता है, तो मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा गाइस। तो मिलता हूं मैं आपसे एक नई अगली वीडियो के साथ, एक पोजिशनल ट्रेड मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं 3-4 दिन या एक हफ्ते के लिए, जो आपको इस पूरे हफ्ते के अंदर आपको अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे सकता है। सो गाइस मैं आपसे मिलता हूं कल एक नई अगली वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ।